नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अमेरिका में अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर ट्रंप को पछाड़ जो बाइडेन ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति कहलाएंगे। अमेरिका जो कि अब तक भारत का घनिष्ठ मित्र रहा, भारत के ट्रंप के रहते अमेरिका से रिश्ते अटूट रहे, लेकिन अब अगर ट्रंप के बाद बाइडेन सत्ता में आते हैं तो फिर भारत की तरफ कैसा रहेगा अमेरिका का रुख, या फिर बाइडेन का कैसा रहेगा भारत के प्रति बर्ताव। हालांकि अभी 15 अगस्त जब भारत अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा था, उस वक्त तो बाइडेन ने कहा था, मैंने सीनेटर और उपराष्ट्रपति के तौर पर भारत के साथ काम किया है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर अमेरिका और भारत एक गहरे दोस्त बनते हैं तो पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाएगी। जो बाइडेन ने कहा था, अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने की तरफ काम करेंगे, दोनों देशों के बीच ट्रेड को बराबरी पर लाएंगे। क्लाइमेट चेंज पर भी बाइडेन ने कहा था कि दुनिया के अन्य अहम मुद्दों पर भी दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार बाइडेन ने बराक ओबामा प्रशासन के दौरान सबसे ज्यादा भारतीय मूल के लोगों को सरकार में जगह देने की बात कही। कहा कि अब मेरे साथ कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। ऐसे में वो इस पद पर आने वाली पहली भारतीय मूल की महिला होंगी। ये कहीं ना कहीं अमेरिका में रह रहे भारतीयों को लुभाने की एक कोशिश भर थी। भारत की तरफ अभी हाल ही के बाइडेन के रुख से तो लगता है जैसे वो भारतीयों को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही में जब ट्रंप ने भारत की हवा को दूषित और गंदा बताया था, साथ ही अमेरिका की हवा को भारत चीन के मुकाबले बेहतर बताया था, इसे बाइडेन ने ट्रंप के खिलाफ भारतीयों की नजर में अच्छा बनने के लिए भुना लिया था। अपने ट्वीट में बाइडेन ने कहा था, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को गंदा बताया। आप अपने दोस्तों के बारे में ऐसे तो बात नहीं करते और ना ही जलवायु परिवर्तन की समस्या को सुलझाते हो। कमला हैरिस और मैं ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत अमेरिका साझेदारी में सम्मान को ज्यादा महत्व दिया जाए। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि मीडिया ने भी इस सब में बाइडेन का भरपूर साथ दिया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही जो बाइडेन है जिनकी डेमोक्रेटिक पार्टी अभी भारत की नरेंद्र मोदी सरकार से और उनकी लोकप्रियता से चिढ़ती है, या फिर यूं कहें कि मोदी सरकार को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती। जो बाइडेन ही थे जिन्होंने CA, NRC और कश्मीर के मुद्दों को लेकर भारत के खिलाफ बयान दिए थे। वर्तमान सरकार के निर्णय जिसका तात्पर्य CAA, NRC और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने से है, बाइडेन के मुताबिक ये सभी फैसले भारत की धर्मनिरपेक्षता की सालों पुरानी परंपरा के विरुद्ध जाती है। कश्मीर में भारत सरकार को लोगों के नागरिक अधिकारों को फिर से बहाल करना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध को रोकना या इंटरनेट पर रोक लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, ये सब बाइडेन का कहना है। अब जब बाइडेन का रुख भारत के कड़े फैसलों को लेकर कुछ ऐसा है तो ये साफ तौर पर भारत के आंतरिक मामलों में बाइडेन के हस्तक्षेप को दिखाता है, क्योंकि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना और फिर CA, NRC के फैसले भी भारत के आंतरिक मामले हैं। तो अब जब बाइडेन सत्ता में आते दिख रहे हैं तो संभव है कि वो भारत के मुद्दों में हस्तक्षेप करें, भारत की नीतियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करें। थोड़ा पीछे चले तो बात करते हैं साल 1992 की, जब जो बाइडेन ने अमेरिकी सीनेट पर दबाव डालते हुए रूस और भारत के बीच $24 बिलियन मूल्य के क्रायोजेनिक इंजन के बीच होने वाली डील पर रोक लगाई थी, जिससे पहले तो अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं थी। इससे ये होता कि अंतरिक्ष में जो कीर्तिमान भारत आज हासिल कर रहा है वो 20 साल पहले ही कर चुका होता, लेकिन जो बाइडेन के एक इशारे ने भारत को स्पेस तकनीक में पीछे धकेल दिया था। कमला हैरिस की बात करें तो वो है जरूर भारतीय मूल की, लेकिन भारत से वफादारी उनकी कम ही दिखाई देती है। फिर चाहे कश्मीर पर नीति को लेकर आलोचना करना हो या फिर भारत पाक के बीच के रिश्तों पर बात करना, कमला हैरिस ने हमेशा भारत विरोधी पक्ष को ही बढ़ावा देने का काम किया है। वो कमला हैरिस ही थी जिन्होंने कहा था कि कश्मीर के विषय पर जो भारत ने किया वो अमेरिका के उसूल और योग्यता के विरुद्ध जाता है और अमेरिका सब देख रहा है। तो ये है बाइडेन का भारत के प्रति रुख। वहीं चीन और पाकिस्तान की भारत में घुसपैठ पर बाइडेन चुप्पी साध लेते हैं। अब अगर एक जो बात जो बाइडेन को अपने विचार भारत की तरफ बदलने के लिए मजबूर कर सकती है वो है भारत की मौजूदा स्थिति, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की मजबूती, क्योंकि भारत को भी जरूरत एक ऐसे साथी की है जो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सीना ठोक कर भारत के साथ खड़ा दिखाई दे। ट्रंप कुछ इसी तरह भारत के साथ खड़े थे, इसलिए भारत खुद को बहुत ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। अब देखते हैं कि बाइडेन का रुख भारत की तरफ कैसा रहता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाइडेन जीतने के बाद भारत के साथ दिखाई देंगे या फिर भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान के साथ? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।